हेलो एवरीबॉडी, ये अलमास आपको वेलकम करती है उसकी एक नए से व्लॉग में। जैसे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं बता रही थी हम दूध सागर नहीं जा पाए, हिडन वाटरफॉल चले गए। जाने के बाद हमारी ये प्लान बनी थी कि हम नेक्स्ट दिन जाएंगे दूध सागर वाटरफॉल पे, बट अभी जब हम जो जा रहे हैं ये हम आज भी दूध सागर वाटरफॉल नहीं जा रहे हैं। हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आ गई है, हम फिर से चलेंगे हिडन वाटरफॉल। वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं इस व्लॉग में आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इन डिटेल्स पता चल जाएगा कि हम वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे। ये जर्नी आपके साथ मेरी जो भी होने वाली है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ पे काफ़ी लोग इंजोर थे, 3-4 लोगों को मार बैठी थी, किसी की ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पे पुलिस आ गया था। मैंने सिर्फ ये एक एक्सीडेंट नहीं देखा है, काफ़ी एक्सीडेंट मैंने देखा है। तो ये था मेरा लंच, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था 12:30 अराउंड, तो यहाँ पे हमने लंच किया और सीधा चले गए, हम पहुँच गए यहाँ। आपको शायद ये वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे स्नेक था, तो थोड़ा ध्यान से देखना आपको शायद मिल जाए। देखना एक एरो की तरफ वो है ऊपर चढ़ा हुआ, तो मुझे एकदम पास से शूट करने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हम जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, ये फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है, ये जो लड़की आप देख रहे हो इसका नाम है बेबी, तो ये बेबी जो है ये पकड़ रही है मुर्गी जो मुझको चाहिए था। फिर हम चिकन खरीद के लेके आते हैं और प्लान करते हैं कि हम बिरयानी बनाएंगे। फिर बाद में हमारी प्लान चेंज हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि बिरयानी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम एक काम करते हैं चिकन पकौड़ा बना लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो आप देखते हो ना, ये नानी बहुत प्यारी है, ये नानी ये ना अपना खुद का मसाला घर का बनाया हुआ ये हमें देती है और बोलती है कि आप इसे पीस लो। तो आपको पता है ये जिससे इसको पीसते, पता नहीं आपके लैंग्वेज में आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, ये मेरे घर पे है और मैं इसे यूज़ भी की हूँ, हालांकि मैंने इतना ट्राई नहीं किया कभी करने का, बट मुझे पता है ये कैसे इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं और बेबी निकलते हैं हंटिंग के लिए, हम आते हैं स्पेशली फॉर फिशिंग। मुझे बहुत मन था कि मैं खुद अपने बलबूते पे एक फ़िश पकड़ूँ इस छोटे से प्यारे से लेक में और मैं उसी फिश का बारबेक्यू बनाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। कैसे नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे फिश उतना ज़्यादा है नहीं। तो हम चलते हैं अपनी हंटिंग की ओर, तो बेबी मेरे को पूरे ट्रिक्स बताती है कि हम यहाँ पे कैसे फ़िश पकड़ेंगे, कैसे इसके ट्रिक हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादातर फ़िश नहीं है, अगर आपको फ़िश पकड़ना भी है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये जगह इतना डेंजरस था, हर एक जगह आपको स्नेक, मेरे को स्नेक दिख रहा था हर एक जगह, और मेरी गट्स मैं बताती हूँ हैट्स ऑफ टू मी, मतलब मैं अपने आप को मैं सब प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतना हिम्मत जुटा के मैं उस जगह पे जा पा रही हूँ। अगर आप मेरी जगह होते ना तो कभी भी आप यहाँ पे आने की जरूरत नहीं उठाते, हर एक जगह आपको सांप दिख रहा था, आपको लगता है आप आपके 500 मीटर्स के ड्यूरिंग में आप अगर स्नेक देखोगे आपको लगता है आप उस जगह पे कभी बैठोगे, मैं बैठ के आई हूँ, आई वॉज लाइक ग्रेट, आई एम ग्रेट। तो यहाँ पे मैं फिशिंग चल रहा था, तो फिशिंग करते करते ना मैं बताती हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिलेगा, ठीक है, फिश तो मिलेगी नहीं हमें, आप ये जगह देखो कितना भयंकर कितना खतरनाक दिख रहा है। और हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आप अगर कभी भी आते हो डोंट वेयर एनी फुल ड्रेस, लाइक जैसे जीन्स वगैरह या फिर लेगिंग्स वगैरह, डोंट वेयर इट। अगर आप पहनते हो, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ना कीड़े हैं, कीड़े नहीं बोल सकते उसको, जो क्या बोलते हैं उसको यार, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, वो जो भी है वो है, और वो इतने सारे हैं ना खून पीने वाले कीड़े, अगर वो आपको लग जाए यहाँ पे ना तो इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और जीन्स के अंदर एक बार चला गया इट इज़ लाइक
आपके लिए हेल हो जाएगा, तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते हो। जींस आप खोल नहीं सकते, आप लेगिंग्स नहीं उतार पाओगे, तो बेटर यूज आप शॉर्ट्स यूज कर लो, या उसके नीचे आप स्टॉकिंग्स, आप अगर खुले पैर नहीं रखना चाहते हो तो स्टॉकिंग्स वगैरह कुछ पहन लो, वो चलेगा, बट जीन्स वगैरह मत पहनना। बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको इस जगह पे बैठते बैठते ही आपको मुश्किल हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ, मत पहनना। तो यहाँ पे मैं हमारी फिशिंग चल रही थी, तो फिशिंग करते करते मेरे को बेबी बता रही थी कि फिशिंग का ये ट्रिक नहीं होता है, आपको ऐसे डाल के ना बार बार नहीं उठाना होता है, इसको रखना पड़ता है कुछ देर तक, फिर आपको जैसे लगे कि अंदर की तरफ कुछ ड्रैग हो रहा है तभी आपको इसे उठाना है। तो ये मेरे को पूरा इंस्ट्रक्शन बता रही थी, तो मैंने बेबी के हिसाब से ही मैं सारा काम कर रही थी। आप जो ये वाटरफॉल देख रहे हो ना, यहाँ पे किसी का डेथ हुआ था, मतलब बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले यहाँ पे किसी का डेथ हुआ था। कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ। कोई आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए, ये जगह रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आ नहीं सकते, ये बैन है, बट मुझे तो हर वो चीज़ करना होता है जो बैन होता है, जो पसंद नहीं करते, जो करने के लिए रिस्क होता है, मुझे वही सब चीज़ें करने का मन करता है और मैं वही करती हूँ, मुझे वही पसंद है। जो चीज़ आप मना किया जाता है कि ये मत करो, ये डेंजरस है, डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूंगी, तो मैंने ये भी ट्राई किया। मैं बता रही हूँ ये जगह इतना खतरनाक, डेंजरस, ये जो फैमिली लड़की का देख रहे हो ना बेबी, बस इन लोगों का ही फैमिली ना इस वाटरफॉल के ना आसपास है, सिर्फ एक घर है, और एक जो घर है वो थोड़ा दूर पे है, सिर्फ दो, मैं बता रही हूँ सिर्फ दो घर है, इसके अलावा इस पूरे लोकेशन पे, इस पूरे एरिया में किसी का भी घर नहीं है, सिर्फ ये लोग ही रहते हैं। और शी इज़ द प्रो फॉर लाइक हंटिंग, कुछ भी वो हंट कर लेगी, शी इज़ लाइक प्रो। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं इसके साथ बैठी हुई थी, हम लोग अपना चिल कर रहे थे, और पानी इतना डेंजरस था, इतना डीप है ना, इसके अंदर जो चला गया वो कभी नहीं वापस बाहर आ सकता, इतना डीप है। आपको स्विमिंग आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, आप सीधे अंदर डूब जाओगे। तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे छोटे छोटे से ना फिश आ रहे थे, तो जब हम लोग आटे लगा के फिशिंग करने के लिए ट्राई कर रहे थे ना, यहाँ पे सामने छोटे छोटे फिश आ रहे थे। ये बोल रही थी, दीदी आप मेरे को वो वाला दे दो, मैं आपको हंट मतलब फिश करके फिश ला के देती हूँ। मैंने कहा यार ये छोटे छोटे फिश ना आएंगे नहीं, मेरे को कुछ अच्छा सा बड़ा सा ला के। तो बोल रही है ठीक है, यहाँ आसपास जो फिश आ रहे हैं ना, तो चांसेस हैं कि शायद हमारे हाथ फिश लग जाए। तो फाइनली मछली तो हाथ लगती है नहीं, सी कितना बड़ा क्रैब ये पकड़ लेती है यार। और हमने ना ये जो आपने देखा है ना, तो ये ना चिकन खा रहा है, हमने चिकन लगा के इस पर हंट किया था, जो हम चिकन लेके आए थे ना बारबेक्यू बनाने, उसमें से हम दो पीस ले आए थे जाके हम इसको हंट कर पाएँ। और इसकी तो ब्रेवरी देखो, ये पकड़ लिया है, और आपको पता है ये सीधे क्या करेगी, इससे ये चिकन निकालेगी, आप देखते जाओ आगे आगे वो क्या करती है, ठीक है, मैं अगर आपको बता दूंगी ना मज़ा नहीं आएगा। आप देखो ये क्या करेगी भाई, ये मेरे को ये स्टिक पकड़ाती है, और देखो ये क्या करेगी, मेरे को तो इसको काट लेगा। मैंने कहा यार बेबी छोड़ दे इसे, मत कर ऐसा, तो बोलती है नहीं यार कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बेबी काट लेगा, तो बोलती है दीदी ये मेरा आदत है, मैं हमेशा ऐसे पकड़ती हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये कैसे मतलब पकड़ी हुई है, वाज लाइक कि ओ माय गुडनेस, अगर ये काट लिया ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, पूरे खून निकल जाएंगे, आपके आधे पूरी फिंगर खा जाएगा, ये इतना बड़ा है। आपको पास से तो मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मैं खुद ही डर के सौ कुसो दूर खड़ी हुई थी। देखो ये अभी कैसे तोड़ देगी इसको, टडाक टडक टडक की इसने तोड़ दिया, टडक इसने तोड़ दिया, इसके इसके ना बचे हुए पैर, बचे कुचे पैर, ये भी तोड़ देगी, देखना ये सारे तोड़ दी, ये सारे निकाल दी। आई वॉज लाइक शॉक्ड। बेबी बोलती है दीदी ये कुछ नहीं है, हम तो सांप भी पकड़ लेते हैं। आई एम वेरी यूज्ड टू, उन लोग हम हर आए दिन ये देखते हैं, सांप देखते हैं, वाइल्ड लाइफ देखते हैं। इसकी तो जो नानी है तो वो बोलती है कि हम तो यहाँ पे हमेशा टाइगर भी देखते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाता है। नॉट वॉज लाइक कि भाई कैसे कर लेते हैं ये लोग। सी ये ना पूरा जिंदा है, बट इसको इसने सारे इसके पैर वैर तोड़ दिया, एंड ये ऐसा कुछ ऐसा हो गया है। हमें को इतना बुरा लग रहा था, मतलब डर आ रहा था, और उसके लिए बुरा भी लग रहा था कि भाई इतना जिंदा है, उसका पैर वैर तोड़ दी। और ये वाटरफॉल मतलब जैसे कि शाम अगर हो गया ना, तो इट इज़ लाइक हेल, आप मर जाओगे, आप लिटरली पागल हो जाओगे, इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा है,
ये अंडर वाटर में शूट करने की कोशिश कर रही थी, मेरे पास GoPro भी था। तो फाइनली हमारी ये फिशिंग क्रैप के बाद हम सीधा आते हैं इसके फैमिली में। मतलब ये जो वाटरफॉल है ना, जस्ट वाटरफॉल के थोड़ा आप चल के सामने आओगे ना, इट्स लाइक हाफ किलोमीटर, तो आपको हाफ किलोमीटर रेडियंस में इन बेबी लोगों का घर है, जो जहाँ बेबी रहती है। तो हम इसके घर पर बैठ के ना, ये जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, नींबू डाल रहे, ये इसकी मदर है, ठीक है। तो इसके हम यहाँ पे आते, तो पहले जब हम आए थे तो इसकी मदर से हम नहीं मिले थे, सेकेंड डे हमारा, तो हम इसकी मदर से पहली बार मिल रहे हैं। तो इसकी मदर भी बहुत अच्छी है, ताई हमारे से बातें कर रही थी। और यहाँ पे जो भैया बैठे हुए हैं, ये इनके कोई रिलेटिव है, पता नहीं कौन है। और वहाँ पे वो नाना है बेबी के, और यहाँ पे जो है वो नानी है। बेबी के जो फादर है वो नहीं है, क्योंकि पता नहीं कुछ कंसर्न है, तो उसके फादर छोड़ के चले गए इनकी मदर को। तो ये बेचारी खुद काम करती है, बेबी को पढ़ाती है, सब कुछ करती है, जो भी करती है इसकी मदर ही करती है, इसके फादर नहीं है। और ये दोनों बेबी के नाना नानी हैं। और ये जो बैठा हुआ है, ये बेबी का कोई कज़न है, भाई वाई वॉट एवर दैट इज, तो ये लगेगा गाँव का ही, सेम गाँव का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी के घर पे ना ये कैट था, जो कि बहुत प्यारा था। इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लूसी था इसका नाम शायद, लूसी था। तो ये लूसी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बस ड्यूरिंग ना, यहाँ पे जो बेबी की मदर है ना, वो अपना चिकन का प्रिपरेशन कर रही थी कि चलो चिकन बनाते हैं। तो मैं और बेबी यहाँ, जस्ट ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेबी का बैकयार्ड है, और इसके जस्ट साइड में इतना अच्छा सीनरी, इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा एनवायरमेंट, इतना मस्त, एकदम फ्रेश एयर आ रहा था। तो मेरे को लगा बेबी चल वहाँ जाके बैठते हैं ना, शी वॉज लाइक कि ओके। तो बेबी और मैं आ जाते हैं ये इन्जॉय करने के लिए। ये बहुत प्यारा है, बट यहाँ पे इतने स्नैक्स हैं ना, आपको हर एक जगह स्नैक्स देखने मिलेगा। यहाँ पे लियोपर्ड्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ भी है, नो डाउट, डियर्स, बियर भी बहुत सारे भी। इसके जो भाई है ना, वो बता रहा था कि यहाँ पे भालू बहुत अटैक करते हैं, लेकिन लियोपर्ड्स, टाइगर्स कुछ कोई अटैक नहीं करता, वो लोग जब भी आते हैं वो लोग चले जाते हैं, लेकिन भालू अटैक करता है यहाँ पे। तो ये लूसी यहाँ पे मस्ती मार रही थी, एंड ये इतनी हाइपर एक्टिव बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी ज़्यादा चुलबुली, कभी यहाँ कूद रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है ना। ये उन लोग का गार्डन, मतलब इतने जंगल के बावजूद भी इन्होंने अपने घर के पास एक गार्डन बना रखा है, जहाँ पे उन्होंने हर टाइप के फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बेबी की मदर है ना, ये यहाँ पे ना मतलब जो देसी अंडे होते हैं वो, जो घर की मुर्गी जो अंडे देती है वो अंडे, और ये पपाया भिंडी भी इन लोगों के पास, तो ये लोग ना साइड वाले विलेज में बेच देते हैं। तो ये जो बंदा है आया हुआ था पपाया खरीदने के लिए, तो इसको बेबी की माँ ने वो पपाया दिया, और उसको उनको ना एग्स भी दिया। तो मेरे को भी एग्स लेने का बहुत मन था, क्योंकि इन लोग का पूरा प्योर और देसी वाला एक अंडा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आपके पास है क्या? तो बोले आप मेरे को थोड़ा टाइम पहले बोलते तो मैं आपके लिए रख देती थी, आपने क्यों नहीं बोला? मैंने उसे बेच दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप रखना, जब मैं आऊँगी आपसे लूँगी। तो मैंने कहा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पे चावल भी बहुत अच्छा था, पूरी ऑर्गेनिक, जहाँ ये लोग फील्ड से ना चावल लेके आके, आप जो मार्केट से खाते हो वो तो रिफाइनरी होता है, वो मतलब उसको रिफाइन करके बेचते हैं, बट इन लोगों के पास पूरा प्योर मस्त होता है। यहाँ पे बेबी उसकी बहन से बात कर रही थी, यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आता है, मतलब आपको 2G आ जाएगा, 4G आप सोचो ही मत, पूरा ज़ीरो रहेगा। 2G बहुत मुश्किल से आता है, वो भी कभी कभी नहीं आता, यहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना इलेक्ट्रिसिटी एंड बिना मोबाइल इंटरनेट, वॉट एवर आप बोल दो, उसके बिना भी आजकल लोग यहाँ पे ज़िंदा हैं। आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना इंटरनेट के आजकल कौन है रह रहा है? ये लोग हैं जो रह रहे हैं। और आप, मैं आपको बताऊँगी, जैसे शाम हो जाएगा ना, इन लोग का ना एक लाइट चलेगा, ठीक है। तो मैं आंटी से पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना चिकन पकौड़ा हमारा बन के रेडी हो जाता है, वो सोलर लाइट का मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना
ये बेबी का ना पालतू डॉग है और ये डॉग इतना अच्छा है, ये हर एक चीज़ बेबी का मानता है। ये बोलेगी तू यहाँ पे बैठ जा तो बैठ जाएगा, बोलेगी यहाँ से चला जा तो चला जाएगा, उसका हर एक इंस्ट्रक्शन मानता है। इन लोग कुछ अपने लैंग्वेजेस में बात करते हैं उसके साथ और वो पूरा समझता है कि इन लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, अभी नहीं आना है ये, मतलब हर एक चीज़। और ये जो डॉग है ना, ये भी इन लोगों का पालतू डॉग है तो ये भी इन लोगों की हर एक चीज़ समझता है, इसको खाना देना है, अभी जा अभी चले जाओ, ईच एंड एवरीथिंग। तो धीरे 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 ना शाम हो जाता है और ये हमारा ना लास्ट ट्रिप होता है चिकन पकोड़ा, यहाँ जो हम बना रहे हैं बारबेक्यू कर रहे हैं, पकोड़ा बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे चिकन बारबेक्यू, ये हम लोग का लास्ट ट्रिप है, इसके बाद हम निकल जाएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत डेंजरस है, इतने स्नेक्स हैं यहाँ पे ना, मेरे को शाम होते ही इतना डर आ रहा था कि भैया मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। आप जो यहाँ पे लाइट देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट नहीं है, ये ना सोलर लाइट है। ये लोग ना सोलर लेके पूरा दिन भर बाहर धूप में रखते हैं, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6, जैसे 6 हो जाता है ना, ये जैसे धूप चला जाता है ना तो वो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाता है। इन लोग के पास दो सोलर लाइट है, जो एक इन लोगों ने अपने रूम पे रखा हुआ है और एक इन लोग यहाँ पे अपने आंगन में लगाया हुआ है, तो दो इन लोग के पास सोलर लाइट है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग सोलर लाइट ही यूज़ करते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन लोगों के पास फ़ैन भी नहीं है, विदाउट फैन ये लोग सोते हैं। तो ये हो गया था रात और यहाँ पे जो भी लगा हुआ था ना, ये देखिए ऊपर जो लगा हुआ है ये कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सोलर लाइट है जो सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो यहाँ पे पूरी रात हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि अब घर चलना है, अब घर चलना है, फिर हम निकलते हैं अपनी घर की ओर। और ये जर्नी, ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा। और कभी भी आपको मौका मिले तो प्लीज़ आप ऐसे जगह जाइए घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे लोगों से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।